आदाब नमस्कार सत श्री अकाल जितने भी मेरे दोस्त हैं, आज मेरी शॉप पे वैसे तो अक्सर आते ही रहते हैं, लेकिन आज मैंने स्पेशल कहा कि भाई गुरु जी आप मेरी शॉप पे आइए। तो आप जानते ही हैं पंडित राम कुमार मिश्रा जी को, नादेनन्ना के बेताज बादशाह हैं और ओनली पूरे वर्ल्ड में वन मैन हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं उनके तबले बनाता हूँ, और जैसा भी होता है टूटा फूटा काम मैं उनसे सीखता भी हूँ, और हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं अपने वर्क के बारे में, क्योंकि ये जो ना समुद्र काम है, और मैं जितना सीखा हूँ अपने गुरु से सीखा ही हूँ, लेकिन इस काम को जो बहुत ज़्यादा बेहतर तरह से करने के मेरे अंदर जो एक कोशिश आई वो सिर्फ आर्टिस्ट लोगों ने ही बताया, क्योंकि हम अच्छा बना सकते हैं लेकिन फाइन ट्यूनिंग जो आर्टिस्ट बजाने वाले हैं वो हमसे करवा सकते हैं, वो खुद नहीं कर सकते, लेकिन उनमें इतना टैलेंट होता है वो किसी से भी बेहतर से बेहतर काम करा सकते हैं। क्यों गुरु जी, मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हैं आप। जैसे तबला बजाना कि अच्छा बजाना आना चाहिए हम लोग सिखाते हैं, वैसे अच्छा तबला बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि हमारे बहुत खास मुन्नू भाई पिछले करीब 12 साल से ये मेरा तबला, मैं सिर्फ इन्हीं से बनवाता हूँ, और ये हर तरह के तबले मेरे किसी भी सुर के तबले हो, अभी जैसे ये ई का तबला है, मुझे कल बजाना है ये तबला, ये कितना खूबसूरत, इसका तबले में क्या खास, सबसे खास चीज़ है लौ चांट, उसका फ़र्क नहीं होना चाहिए, वो ये का एक कमाल है कि ये तबले का लौ चांट एक होता है। और मेरा ये देखो दूसरा तबला है, ये देखिए ये 5/6 3/4 है। हाँ जी, ये तो अलग अलग सुर के जितने भी तबले हैं ये सब करते हैं। अभी देखिए इन्होंने एक नया तबला किया है, ये डी का तबला है, भी हो और तबले की लौ चांट भी एक रहे, ये जरा बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत फाइन काम इसको कहते हैं, तो वो गुल्लू भाई करके देते हैं हमें, और सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, इनका काम हर जगह विदेशों में भी, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, और इनफैक्ट अभी मैं ये तबला मेरे पास है, ये मैं देख रहा हूँ, ये हमारे दिल्ली के बहुत ही बड़े उस्ताद फयाज खान साहब का शागिर्द है, मेरे अच्छे दोस्त हैं शाहबाज हुसैन जो कि लंदन में रहते हैं, ये मैं उनके लिए बनाया है ये तबला, तो मैं ऐसे ही इसको देख रहा था जरा सा, बड़ा ही खूबसूरत तबला इन्होंने बनाया है, ये ए से लेकर के सी तक के जितने बीच में स्केल है 4-5 सुर है उसमें ये बहुत ही कमाल बोल रहा है, मैंने इसको देखा अभी, ये बी में ट्यून है, ये 6 इंच है, 6 से ज़्यादा है, और इतना खूबसूरत आस इसमें लौ चांट इसका बहुत ही कमाल बोल रहा है, तो जितने भी अलग अलग सुर के तबले हैं वो गुल्लू भाई चाहे वो ए के हों नीचे से लेकर के जी से लेकर के और ऊपर तक के टॉप तक के सब बहुत ही कमाल मैं इनसे लेता हूँ। जैसा मैंने कहा मतलब पिछले 12 साल से तो मैं इन्हीं से ले रहा हूँ, और ये सबसे बड़ी बात इनके में ये है कि और आगे बेहतर काम कैसे है, ये इनके में बहुत अच्छी बात है, ये नहीं कि मुझे आ गया, नहीं, रोज़ क्या है रोज़ इसको सीखते हैं, रोज़ कुछ नया ट्राई करते हैं उसमें, और ये रोज़ उसमें नई नई बातें इजाज़ होती है उसकी, लेकिन इजाज़ से बनाते हैं। गुरु जी हम सीख रहे हैं ना, आर्टिस्ट होते हैं बस, आपका अलग ढंग है, इनका ये राहुल जी हैं, हाँ। आपकी विरासत, क्योंकि आप नादेनन्ना को आपके बाद में यही करेंगे, तो और एक नया मैसेज पूरी दुनिया, एक गुरु जी बहुत बढ़िया मैसेज आ रहा है कनाडा कैलगरी से, जो 12-13-14 3 दिन हरजीत अंकल एक हमारे हैं, अच्छा अच्छा, वो कैलगरी में बहुत बड़ा फेस्टिवल करा रहे हैं, और इंडिया से 30 के नाम है म्यूजिशियन गए हैं, अरे वाह, और वो इतने लाजवाब इंसान हैं, इंडियन क्लासिकल जो अपना एक फेस्टिवल विदेशों में करा रहे हैं कनाडा कैलगरी में, तो आप उनके बारे में भी बोलिए, और ये बहुत बड़ी एक मैसेज है। देखिए हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को भारत ही में अपितु विदेशों में भी उसको बढ़ावा करना, ऐसे मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे आयोजकों को जो कि ये काम कर रहे हैं, तो आपने क्या नाम बताया हमारे हरजीत सिंह जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, हरजीत सिंह जी आप ये काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये आप वहाँ पे संगीत के प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, मैंने एक दो दफ़ा आपके वो वीडियो देखे भी हैं आपके यहाँ के प्रोग्राम के, बहुत अच्छा होता है, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई है, आप ऐसे ही
हमारे शास्त्रीय संगीत को आते रहिए, वहाँ पे हमारे हिंदुस्तान से आर्टिस्टों को बुलाते रहिए, सब जगह से बुलाते रहिए, पूरे वर्ल्ड से बुलाइए और ये शास्त्रीय संगीत को गायन वादन नृत्य तबला जो भी है उसका बढ़ावा करिए। हरजीत सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और मैं भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया से 30 म्यूजिशियन उनका सब कुछ देख रेख सारा कुछ, एक इतना बड़ा पूरी दुनिया में, सच में कह रहा हूँ दुनिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल करा रहे हैं वो विदेशों में जो होता है, तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये आज जो है ना हमारे राहुल जी लाजवाब तबला बजा रहे हैं, और राहुल जी आप बोलिए अपने बारे में। अरे क्या बोलूँ आपके तबले इतने अच्छे हैं, मैं भी करीब 3-4 सालों से इनसे ही बनवा रहा हूँ, और जैसा इनको जैसा हमें चाहिए होता है, पापा को जिस स्टाइल से चाहिए होता है उनको वैसा बनता है, और मुझे जैसा चाहिए होता है वो मुझे ऐसा बना के देते हैं। इनफैक्ट अभी मैंने लिया हूँ, ईयरिंग लिया हूँ, देखिए ये बाय लिया हूँ, बनया बाय बिल्कुल, देखिए कैसा बोल रहा है। ये अभी मैंने इनसे लिया है, और एक रिंग भी लिया है, और हथौड़ियाँ इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है, वो भी मैंने अभी लिया है, और इनकी क्या तारीफ करें, बहुत अच्छे रहा। गुरु जी मेरे ख्याल से आपके तो जो ये संगीत है ये तो कितनी कितनी पीढ़ियों से संगीत है, हमारे घर में करीब करीब 200 साल से संगीत चला रहा है, 200 साल से चला रहे हैं ना, तो आप एक चीज़ बताइए, आप रहने वाले भी बनारस के हैं, हाँ हाँ, और इतना बढ़िया बनारस में काम होता है, तबले के इतने से बढ़िया उस्ताद हैं, इतने से बढ़िया काम करने वाले हैं, और आपने इतने से बढ़िया लोगों से काम कराया है, हाँ। कि कोई इतने से बढ़िया तबले प्लेयर भी हैं बनारस, मैं कह रहा हूँ बनारस तो ये मान लीजिए जैसे एक गाने बजाने का गढ़ है इंडिया में, तो वहाँ कोई बजाने वाला भी कोई तबले बनाता है? तबले बजाने वाला तो कोई तबला वहाँ नहीं बनाता है, लेकिन तबला बनता था वहाँ करीब आज से करीब 35-40 साल पहले अच्छे तबले बनते थे, आज भी बनते हैं, लेकिन वो जो बात चाहिए क्या होता है कि आप जैसे आपकी इसमें तारीफ भी मैं करूँगा कि आप जैसे बड़े काम को भी मन लगा के करते हैं, मतलब जहाँ ज़्यादा काम करना है, और एक तबला भी अगर आपको बोला तो आप नहीं मन से करते हो, ये चीज़ थोड़ी सी भी कम हो रही है। अब लोगों को जहाँ से 15-20 तबले का ऑर्डर आ रहा है वो तो हो जा रहा है साहब, एक तबले वाला दो तबले वाला, हमें तो भाई 50 तबले नहीं चाहिए ना नहीं लेकिन वो काम भी आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो इस तरह के बनाने वाले अभी कम है वहाँ भी, तो सबसे बड़ी बात होती है जैसे कि आर्टिस्ट का सेटिस्फेक्शन, बस हर फूल की खुशबू अलग है, सेटिस्फेक्शन अगर हमारा है कि हमारा तबला अगर गुल्लू भाई का अच्छा बन रहा है, आप बना रहे हैं, हमें अगर खुश हो तो मैं फिर आपके पास आऊँगा, आप दिल्ली में इतना लाजवाब तबला बजाते हैं और आपका जवाब नहीं, तो एक दुकान आप भी खोलिए। एक चीज मैं बताता हूँ, अच्छा तबला बजाने वाला अच्छा तबला बना ले ये जरूरी नहीं है जी। और एक अच्छा तबला बनाने वाला वो अच्छा तबला प्लेयर हो जरूरी नहीं है, इसलिए अगर हम चूंकि अच्छा बजाते हैं, अगर दूरी थोड़ा बहुत है, अगर हम ये सोचते कि नहीं अच्छा तबला बनाने भी लगे ये पॉसिबल नहीं है, वो आपका काम है जी। मैं आप कभी भी रहेंगे, आप हमसे 22-25 रहेंगे, हम 19-20 नहीं हो सकते, ये फर्क लोगों को समझ में आनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे तिलक नगर में काफ़ी लोग जो थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा तबला बजाना, और वो कहने लगे भाई अब तो मैं तबला बना लूँ, नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये एक नहीं पॉसिबल, बनाना अलग चीज़ है बजाना अलग चीज़ है। सालों से काम करते आ रहे हैं, मैं तो बचपन से ही काम कर रहे हैं ना, वो आपका काम है, ये हमारा काम है, काम अलग है भाई, इसको समझना पड़ेगा, ये फर्क है, लोग कहते थे उससे क्या फर्क पड़ता है, उनके कहने से शुरू हो जाता है। नहीं आजकल लोग जो ना बहुत पहले तबला बजा के दिखाते हैं, फिर कहते हैं ये तबला मैंने बनाया है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं। अगर कोई भी बंदा दिल्ली में बहुत बढ़िया बढ़िया तबला बनाने वाले हैं, आपने बनवाए भी है, वो बेचारे काम करके दिखाते हैं आपको, तब आपने बनवाया, और कोई रेडीमेड किसी से मतलब मेरे से ही बनवा के कोई ले जाए और कहेगी मैंने बनाया, और आपने जब थोड़ी इसकी चांट कर ली है उतारो आप इसे चांट, फिर वो कैसे करेगा, वो तो उसको जब तक जो टेक्निक नहीं पता वो कैसे करेगा, हमें पता है ना कि टेटे अगर मैं आगे बजा रहा हूँ तो उसका क्या मतलब, पीछे बजा रहा हूँ तो क्या टेक्निकली क्या है, इसी तरह आपको पता नहीं है कि कहाँ सही रखनी है, क्या चांट कम करना है, क्या ज़्यादा करना है, ये आप समझ सकते हैं। हाँ बस यही है कि भाई आजकल जो ना देखिए वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, चलेगा वही जो जिसके पास ठोस काम है,
चाहे वो बजाने में हो चाहे बनाने में हो, भाई चलेगा वही। आप नाले नंदा बजाइए और ये स्पेशल डेलीगेट है हरजीत अंकल के लिए, क्योंकि वो इतना काम बढ़िया कर रहे हैं, वो संगीत के फरिश्ते हैं। नहीं नहीं, इस बार का ये तो मैं थोड़ा सा इसलिए बजा रहा हूँ, हरजीत भाई को तो ही है और ये शादाब को भी है, शाबाश भाई को भी है, ये मैंने शाबाश भाई को शाबाश का तबला है ये है, और मुझे बड़ी खुशी है, ये बहुत अच्छा तबला प्लेयर है वो भी। हाँ शाबाश भाई इंग्लैंड इंग्लैंड की विजिट लगवाई तो शाबाश भाई ने। मेरी वीडियो लाइव देख रहे हो तो आप अपने तबले की टोन सुने, ये मैं आपको तबला भेज रहा हूँ। बहुत अच्छा है और बहुत कमाल काम किया है आपने इस तबले में, वैसे ही सब तबले आप जितना भी मेरा बनाते हैं उसमें सब कमाल काम ही होता है, वैसे ही आप काम करते रहे, मेरी यही शुभकामना है। गुल्लू भाई ऐसे ही काम करते रहे, अच्छे अच्छे तबले सुरीले तबले ऐसे ही अभी ये का बना रहा हूँ गुरु जी का, और सभी मेरे जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे भाई हैं या मेरे से बड़े मेरे अंकल जो भी हैं, मेरा चैनल गुल्लू म्यूजिकल केंद्र को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, बेल आल्टून बजाएं, और एक चीज़ और, आप पंडित राम कुमार जी के जो पेज है या यूट्यूब चैनल है आप उस पर जाकर के देखिए कि ये आम हस्ती नहीं है, ये बहुत बड़े लीजेंड, ये मेरी खुशनसीबी है कि ये मेरे शॉप से और मेरे से तबले बनवाते हैं, क्या क्या कमाल आर्टिस्टों के साथ ये बजाते हैं, और शिव जी को सिर्फ यही पसंद है, हरि जी, विश्वमोहन भट्ट, पंडित जसराज जी, अगर खाली हो तो शाहिद परवेज साहब, मतलब और निषाद खान साहब, जो भी है वो ये चाहते हैं कि एक बार हम अगर बजवाएं और हमको अगर खुद खेलना है, क्योंकि ये गाना बजाना एक दूसरे से बातें करना होता है, तो हम एक दूसरे से बातें करें, संगीत की भाषा एक दूसरे को समझें और लोगों को समझाएं, लोगों को इंजॉय कराएं, तो एक बार मेरे साथ यही होने चाहिए पंडित राम कुमार मिश्रा जी तबले पे, क्योंकि ये जो नादिन ना का छाला होता है इनको भी ये नहीं मालूम कि कितने बड़े शहंशाह हैं इस चीज़ के, क्योंकि ये साधारण बिल्कुल शरीफ आदमी है, मेरे देखो छोटी सी दुकान में आके बैठ गए ना, तो ये कहते कि भी मेरे घर आइए आप गुल्लू भाई, क्योंकि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनका काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ और गुरु जी, आपने बड़ा बढ़िया काम किया है, जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक अकेडमी का आयोजन किया है, तो जो भी सीखने के इच्छुक हों तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पे ले लीजिए, और ये इधर भी है, नए भी लोग हैं नए सीखने वाले और वो ये चाहते हैं कि हम भी मेहनत करके आगे आए, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक सुनहरा मौका है और बड़ा अच्छा अवसर है। गुरुजी से मैंने भी बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी भेजता हूँ आप अपना इल्म, लेकिन आप तो ये कहते रहते हो कि मेरे से सीखने वाला हो, मैं तो इल्म बांटने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, ये तो बांटने की ही विद्या है। फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत बहुत हरजीत अंकल को मुबारक हो, और जो ये इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया है उनके लिए बहुत बहुत मुबारक, और भूल चूक में मेरे से भी कोई गुस्ताखी हुई हो किसी को अगर अपने दिल के हार्ट लगाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आदाब, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।